हमारे इस प्रार्थना सभा में हमारे धर्मा सुषमा संध्या जी, जितने भी लायक व्यक्ति है और अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं सरना धर्म का हूँ और सरना धर्म मेरा धर्म है, प्राकृतिक धर्म का हूँ और प्राकृतिक मेरा धर्म है, सभी लोग सरना में आ रहे हैं और सरना में आज शादी विवाह भी करा रहे हैं और सरना में एक ऐसे माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो प्राकृतिक अनुसार जो खाना पीना उठना बैठना था उसको बिगाड़ दिए थे हम लोग, उस बिगड़े हुई चीज़ को आज सरना में आके हम लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है। जितने भी आ रहे हैं वहाँ पर कोई भी शराब का इस्तेमाल करके नहीं आते हैं, शराब पीते नहीं, शराब पिलाते नहीं, वहाँ दारू हड़िया कुछ भी सरना में नहीं आता है, बिना दारू हड़िए के ही सरना में विवाह हो रही है, शादी हो रही है। ऐसे ही माहौल है जब हम बनाएंगे तो हमारे समाज मतवार समाज नहीं होगा। ऐसे ही जब हम लोग महान सोच के साथ में सभी लोग एक समझेंगे कि हमारे सरना में किस तरह से हमें एक अच्छा माहौल तैयार करना चाहिए ताकि आज छोटे बड़े बुजुर्ग सारे लोग दारू पी के रात रात दिन घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं और बेलायक हो चुके हैं, तो आज सरना में आ रहे हैं सभी लोग आज लायक हो रहे हैं और उनके अंदर में एक इस तरह से सोच हो रहा है, इस तरह से विचार हो रहा है, इस तरह से अपने खाने पीने का तरीका और रहने उठने बैठने का तरीका सब कुछ में सुधार हो रहा है, सब कुछ में अच्छाई हो रहा है, सब कुछ अच्छा होते हुए आज मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि इसी तरह से जहाँ भी अपना धर्म स्थान है, सरना में है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शादी विवाह कराने का कोशिश करें। और बहुत जगह हो भी रहा है और मुझे ज्ञात नहीं है, और जितने भी सरना में शादी विवाह करा रहे हैं उनको मैं विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जिसे मुड़मा शक्ति खुटा में बहुत काफ़ी साल से प्रचलित हो गया है, यहाँ पर भी आते हैं शक्ति खुटा में, यहाँ से विवाह करते हैं, शादी करते हैं और कुशल मंगल और सुख चैन से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। अशक्ति कुटुंब देखते हैं कि काफ़ी लोगों का झुकाव है, यहाँ दूर दराज से आते हैं, काफ़ी दूर दराज से आते हैं और अपना शादी विवाह रचाते हैं, शादी करते हैं और सुख चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ का भी आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद है, यहाँ पर भी जानकार व्यक्तियों के द्वारा शादी विवाह कराया जाता है, तो इस तरह से हम लोग का समाज आज हर क्षेत्र में अच्छाई हो रहा है। इसमें अपना हजारीबाग क्षेत्र में कृष्णा बाबा जो है, कृष्णा बाबा भी शादी विवाह में प्रार्थना भजन और विनती के माध्यम से जो शादी गीत है उसमें भी पूरा अपना चीरा झंडा और सफ़ेद साड़ी लाल पार के साथ में एकदम झूम के एक अच्छा माहौल तैयार कर रहे हैं। सरना समाज के लिए एक पूरा समर्पित और पूरा सरना समाज सरनामय हो जा रही है, मुझे जान के, मुझे प्रचार करते हुए, मुझे अच्छी अच्छी बातों को बताने के लिए मुझे बहुत उत्साह हो रहा है। मैं आज करीब करीब कुछ दिन से ही काम कर रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा हमारा सरना समाज होते जा रहा है। आज ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सीता नाले,
जो सिरसी का नाले भी हमारा नाम है, उस नाम को भी हम लोग सही करते हुए जाएंगे। जो जाने अनजाने जो त्रुटियां हो रही है उसको भी हम लोग सही करते हुए जाएंगे। और कुछ दिन के बाद में यहाँ सिरसी ता नाले यहाँ भी शादी विवाह होना शुरू हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इस साल बहुत सारे अलग 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 दिन में जा रहे हैं और विनती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो हम बहुत संख्या में भीड़ भड़ाका में जाते हैं वो हमारे एक शक्ति का प्रदर्शन है, लेकिन हमें इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको राजनीतिकरण अपने समाज में नहीं लाना चाहिए। हमारे राजनीतिक लोग भी आते हैं लेकिन उनको भी ध्यान देना है, हमारे जो मंत्री लोग हैं उनको भी ध्यान देना है कि ये इसमें राजनीतिकरण हमारे धर्म में नहीं आना चाहिए। और जब राजनीतिकरण करेंगे और हर चीज़ में हम राजनीति के तौर से बांट बूट करेंगे तो हमारा समाज बहुत सारे बिखर गया था, पर आज हमारे समाज एक व्यवस्थित और संगठित होते हुए एक अच्छा सा सुगंध, एक अच्छा सा खुशबू हर ओर फैल रहा है। और कुछ दिन के बाद में यहाँ जो सिरसीता नाले यहाँ पर भी शादी और विवाह शुरू हो जाएगा, होने ही वाला है। आज पूरा समाज के एक एक बच्चे बच्चियाँ भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, लड़कों में उत्साह जग रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लड़कों में मैं खासकर विशेष तरह से मैं आगे बढ़ाने और उनको हिम्मत देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक नहीं हजार हमें एक नेक और ईमानदार और साहसी लीडर बनने की ज़रूरत है। उनका जीवन खुश, हमारा जीवन खुश हो, एक दूसरे का सहयोग और मदद करते हुए हम अपने समाज को एक ऐसा दिशा और ऐसा दशा देंगे जो कि ऊपर वाले जो हैं वो नीचे वालों को खींचे और सब एक प्रकृति के अनुसार हमारा जो स्वभाव होना चाहिए उस स्वभाव के अनुसार जिए और रहें और खुश मिजाज रहें। तो चलिए हम इसी बातों पर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय श्री रसिता, जय मुड़मा जत्रा कुटा और जय सरना।